भी हेड मिला है, बट हमें इसको फोरेंसिकली एग्जामिन करना पड़ेगा वेदर इट इज़ ऑफ द सेम, बट येस वी फाउंड अ हेड. अ स्कल इज़ बीन ऑब्टेन्ड. अभी कहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है क्योंकि ये फोरेंसिक की एग्जामिनेशन और पोस्टमार्टम के आधार पर होगा. सो फिलहाल मेरे लिए ये पुष्टि करना मुनासिब नहीं है. देख रहे हैं जितने आपके सामने ही हैं, हम लोग सारी टीम्स बनाकर वी आर वर्किंग ऑन दिस, डोर टू डोर स्कैनिंग कर रहे हैं. दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में अब एक नया मोड़ सामने आ चुका है. इसी साल जून के महीने में पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाने के त्रिलोकपुरे इलाके में एक कटा हुआ सिर और हाथ मिला था. ये घटना श्रद्धा की मौत के बाद हुआ था. उस केस में अभी तक ये मालूम नहीं चल पाया कि वो सिर और हाथ किसका था, क्योंकि जो सिर और हाथ का हिस्सा मिला था वो पूरी तरह खराब हालत में. ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये टुकड़े श्रद्धा के शरीर के थे या फिर नहीं. हालांकि इसकी जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी. अब पुलिस मेहरौली के जंगलों में मिली हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भेज रही है. इन दोनों जगहों पर मिले टुकड़ों को डीएनए रिपोर्ट से पुलिस मैच करवाएगी और जानने की कोशिश करेगी कि क्या ये लाश के टुकड़े श्रद्धा के हैं या फिर नहीं. साउथ जिला पुलिस ने पूर्वी जिला पुलिस से इस मामले में संपर्क किया. पूर्वी जिला पुलिस ने इस मामले की जानकारी दक्षिणी जिला पुलिस को सौंपी है. उधर अभी तक इस सिलसिले में शरीर के 10 टुकड़े मिल चुके. उधर पुलिस को अफताब की कई महिला मित्रों के बारे में भी जानकारी मिली है. इसमें ज्यादातर लड़कियां डेटिंग ऐप्स के जरिए उसके संपर्क में आई थी. वो कुछ समय तक कई सिम कार्ड का इस्तेमाल भी कर चुका था. आखिर अफताब ऐसा क्यों करता था? क्या वो कोई गलत काम कर रहा था? इस लिहाज से वो डर के मारे बार बार अपना सिम कार्ड बदल लिया करता था. आखिर श्रद्धा की हत्या के बाद उसने अपना मोबाइल फोन क्यों बेच दिया? श्रद्धा की हत्या करने के बाद अफताब ने अपना पुराना मोबाइल फोन ऑनलाइन कंपनी OLX पर बेच दिया था. पुलिस इस फोन को रिकवर करने की कोशिश में जुटी हुई है ताकि उससे भी कुछ जानकारी मिल पाए. सवाल ये भी है कि क्या फोन में कुछ ऐसे सबूत थे जिससे डर कर उसने ये फोन OLX पर बेचा था. फिलहाल पुलिस इस मामले में डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाएगी.